कृष्णम वंदे जगतगुरुम। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं, और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है, किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है, फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना, ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा। वाह वाह, आज तो श्री कृष्ण के श्री मुख से ज्ञान की गंगा बह रही है। इस गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाएगा, और ये कृष्ण उसका बुद्धि भेदन करके ही छोड़ेगा। महाराज, जो भी इस गंगा में स्नान करेगा उसकी आत्मा तक निहाल हो जाएगी। संजय, मैं देख रहा हूं कि अर्जुन के बाण तो तुनीर ही में बंद पड़े हैं, परंतु कृष्ण के मुख से निकलने वाले बाणों ने तुम्हारे हृदय को निशाना बना दिया है। महाराज, बात ही दिल को छू लेने वाली हो तो कोई क्या कर सकता है। मुझे चिंता हो रही है, लगता है तुम्हारी तरह अर्जुन भी कृष्ण की बातों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा। परंतु उसकी बातें सुनने के अतिरिक्त हम और कर भी क्या सकते हैं? हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती।